पूरी ताकत से 23 तारीख का मुकाबला करना है। करोगे मुकाबला? निरोवा को सांसद बनवा दीजिए, वो आप सबको बाकी लोगों को दर्शन कराने जरूर लेके जाएगा काशी विश्वनाथ धाम का। असमगढ़ के लोगों ये विश्वास रखना, मैं अपनी पूरी क्षमता के आपकी असंभव सेवा करने का काम करूँगा। आजमगढ़ में कमल खिलाने के लिए लोग तैयार हुए हैं। आजमगढ़ अगर आर्यमगढ़ नहीं चुनता तो दुर्भाग्य कहा और का कहा। लेकिन मैं वही कहने आया हूँ, एक 2 साल का टाइम बचा हुआ है, इस 3 साल पे कैसे 2 साल भारी हो जाएगा, हम ये करके दिखाएंगे। बीजेपी को बदमाशी न बनाए, बीजेपी को जहर न फैलाए, काहे की झगड़े, कोई झगड़ा नहीं। आजमगढ़ में एक तरफ रामगोपाल यादव हैं, जयंत चौधरी हैं, धर्मेंद्र यादव हैं, रमाकांत यादव हैं, आजम खान हैं, सपा के 10 विधायक हैं। दूसरी तरफ निरहुआ हैं, रवि किशन हैं, मनोज तिवारी हैं, आम्रपाली दुबे हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, स्वतंत्र देव सिंह हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं और आसपास के सारे बीजेपी विधायक हैं। योगी आदित्यनाथ बीजेपी की तरफ से आजमगढ़ में रैली कर चुके हैं, लेकिन सपा की तरफ से अभी अखिलेश यादव ने एक बार भी प्रचार नहीं किया है। हो सकता है ये सपा की कोई गुप्त रणनीति हो, लेकिन आजमगढ़ में अखिलेश यादव की जगह चाचा रामगोपाल यादव मोर्चा संभाल रहे हैं। ये सब बीजेपी की वजह से हो रहा है, बीजेपी को बदमाशी न बनाए, बीजेपी को जहर न फैलाए, काहे की झगड़े, कोई झगड़ा नहीं भाई। लोगों किसको विरोध करने का हक नहीं है, उनके अगर पैगंबरों के खिलाफ बात की जाएगी तो। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार आजमगढ़ में बाजी पलट देंगे और समाजवादी पार्टी कहती है कि वो आजमगढ़ में इतनी ज्यादा मजबूत है कि उसके सुप्रीम लीडर यानी अखिलेश यादव को आजमगढ़ आने की जरूरत नहीं है। सपा के नेता ऐसे ही सीट जीत कर अखिलेश को गिफ्ट दे देंगे। समाजवादियों का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। अपनी तबीयत खराब होने के बावजूद, रामपुर में चुनाव होने के बावजूद आजम खान साहब मुझे आशीर्वाद देने आए, मेरे पास कोई शब्द नहीं आपके के लिए। परसों आजमगढ़ में चुनाव है और वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी ने आजमगढ़ का नाम बदलने का वादा कर दिया है। योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ को आर्यनगढ़ बनाने का वादा करके आए हैं। आजमगढ़ को स्वयं चुनना है आर्यमगढ़, आजमगढ़ को स्वयं चुनना है आर्यमगढ़, और आजमगढ़ अगर आर्यमगढ़ नहीं चुनता तो दुर्भाग्य कहा और का कहा। वोटिंग से ठीक पहले आजमगढ़ का नाम बदलने के वादे से आजमगढ़ का सारा वोटर एकाएक हिंदू तो नहीं हो जाएगा। नाम बदलने से भी सामाजिक गुणागणित तो वही रहेगा जो अभी है। तो बीजेपी ने आजमगढ़ में पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी को आजमगढ़ में सिर्फ इस वजह से उम्मीद ज्यादा है क्योंकि आजमगढ़ में इस बार कभी भी उपचुनाव नहीं लड़ने वाली बीएसपी भी उपचुनाव लड़ रही है। बीएसपी यानी बहन जी मायावती जी की पार्टी ने कैंडिडेट मुस्लिम खड़ा किया है। बीजेपी को उम्मीद है कि राशन वाला दलित वोट तो उनकी तरफ आएगा ही, बीएसपी का मुस्लिम कैंडिडेट सपा का मुस्लिम वोट काटेगा। मुस्लिम वोट में बंटवारा होगा, यादव अकेले कुछ कर नहीं पाएंगे, कट्टर हिंदू और दलित वोट के सहारे सीट निकल सकती है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। आजमगढ़ में ऐन वक्त पर आजम खान हेलीकॉप्टर से पहुंचे और मुस्लिम मतदाताओं के बीच संदेश दिया कि मुस्लिम मतदाता समाजवादी पार्टी से कतई नाराज नहीं है। आजमगढ़ के भीतर नहले पर दहला और वार पलटवार का खेल बहुत ही ज्यादा रोचक होता जा रहा है। बीजेपी सोचती है कि कट्टर हिंदू और दलित वोटरों के सहारे वो आजमगढ़ का किला फतेह कर लेगी, लेकिन बीजेपी के सोचने से कुछ नहीं होगा। वोटर क्या सोच रहा है, ये 23 तारीख को ईवीएम में कैद हो जाएगा। फिर से कहेंगे कि आजमगढ़ की फाइट को बीएसपी के मुस्लिम प्रत्याशी ने रोचक तो बना ही दिया है। दोस्तों, वीडियो को अपनों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गोदी मीडिया से हमेशा ही कतई ही होशियार रहिए, क्योंकि गोदी मीडिया के पास एक ही व्यक्ति को हीरो बनाने का ठेका है, वो उसी को हीरो बताएगा, आपके पक्ष की खबर को हमेशा दबाएगा। धन्यवाद।